दोहराने की है ट्रिक। नमस्कार, जीआईएस के प्रार्थना स्थली कार्यक्रम के मंच से मैं रामपाल भारतीय, विद्यालय प्राचार्य एवं जीआईएस टीम की उपस्थिति में विद्यालय के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। सत्र 2019-20 में मैथ्स ओलंपियाड एग्जाम में पदक जीतने, पोस्टर मेकिंग कॉम्पिटिशन में मतदाताओं को मताधिकार हेतु जागरूक करने के बाद मात्र एक महीने की तीसरी महान उपलब्धि आपके बीच लेकर आया हूं। आज की उपलब्धि खेलों की दुनिया से जुड़ी है। खेल की दुनिया में पिछले कुछ वर्षों से जीआईएस ने अपनी एक अलग पहचान बनाई है जो इसे अन्य विद्यालयों से खास बनाती है। कार्यक्रम की शुरुआत मैं भारत रत्न एवं पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के एक सुविचार से करना चाहूंगा। अब्दुल कलाम का कहना है कि सफलता कोई तुक्का नहीं होती, अगर आप एक सफलता प्राप्त करने के बाद थम जाते हैं तो लोग यह कहते हुए जर्नी करते हैं कि वो एक तुक्का थी। तो जीआईएस के विद्यार्थियों ने यह साबित किया है कि एक सफलता मिलने के बाद लगातार कठिन परिश्रम करके तीन बड़ी सफलताएं प्राप्त की हैं। आपको बता दें कि हरियाणा के करनाल में ओपन नेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप ट्रॉफी का 18 से 21 अप्रैल 2019 को आयोजन हुआ था। इस राष्ट्रीय स्तर की स्पर्धा में देश भर के 13 राज्यों के खिलाड़ियों ने अपनी जीत का परचम फहराने का लोहा मनवाया था। राष्ट्रीय स्तर की इस स्पर्धा में गुना इंटरनेशनल स्कूल के 7 विद्यार्थी खिलाड़ियों ने शिरकत की थी। इन 7 खिलाड़ियों में 5 खिलाड़ियों ने अपनी झोली में पदक डालकर न केवल विद्यालय का बल्कि राजस्थान का नाम रोशन किया है। विद्यार्थियों की उपलब्धि पर हम कहते हैं कि पसीने की बूंदे हरियाणा के करनाल में सोना चांदी बदलकर आई है, जो कीर्तिमान 24 और 25 नवंबर 2018 को विद्यार्थियों ने स्थापित किए थे, अर्थात पुराने YouTube वीडियो जो पड़े हैं 24 और 25 नवंबर के, एक बार पुनः कमोबेश वैसा ही कीर्तिमान 5 महीने के अंदर ही दोहरा दिया है। ऐसा ही एक कीर्तिमान पिछले सत्र में योगी स्पोर्ट्स क्लब झुंझुनू में रचा। कुल मिलाकर ताइक्वांडो स्पर्धा और जीआईएस अब एक दूसरे के पर्याय बन चुके हैं। इसी कारण आज के कार्यक्रम का नाम है ताइक्वांडो स्पर्धा में जीआईएस की हैट्रिक। इस स्पर्धा में 1 स्वर्ण, 2 रजत व 2 कांस्य पदक विजेता विद्यार्थियों को विद्यालय प्राचार्य श्री रोहिताश्वर रूडी से सम्मानित करवाना चाहूंगा। सबसे पहले राकेश गुर्जर ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया है, तो आपकी कथा ध्वनि के बीच में उन्हें मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा। मैं कुछ करके आऊंगा है ये स्वाभिमान, जिसको पाया है मैंने हुनर से यह है अभिमान, छाप छोड़ूंगा हर जगह रखता है ये गुरूर, बुलंद इरादों वाले इस खिलाड़ी को कहते हैं राकेश गुर्जर। अगले क्रम में लकी जाट जीपीएस 9th क्लास से है, रजत पदक प्राप्त किया है हरियाणा के करनाल में। नाम लकी जाट है लेकिन हक से उन्होंने प्राप्त किया, बल्कि हार्ड वर्क से इन्होंने रजत पदक प्राप्त किया है। एक और रजत पदक प्राप्त किया है रौनक कुमावत फ्रॉम क्लास 12 कॉमर्स। उसके बाद मोहन तंवर 9th B से कांस्य पदक प्राप्त किया है। मंच पर मैं आमंत्रित करता हूं मोहन तंवर को। खेल में दर्शकों को लेता है जो सम्मोहन, सफलता के शिखर छूने हेतु करता है आरोहण, प्रतिद्वंदियों को पल भर में कर देता है अवरोहण, तंवर नाम से जाना जाता है जो नाम है मोहन। अगले क्रम में कांस्य पदक प्राप्त किया है ज्योति गुर्जर 8th B बीटू गुर्जर। जोरदार तालियां। स्वर्ण पदक, रजत पदक और कांस्य पदक विजेताओं को मंच पर सम्मानित किया विद्यालय प्राचार्य श्रीमान रोहता से जुड़ी एवं उनके कोच श्रीमान प्रवीण शर्मा। एक बार प्रवीण शर्मा के लिए जोरदार तालियां। जहां ये बच्चों को भेजते हैं वो जिनकी कामनाओं को पूरा करते हैं और सपनों को साकार करते हैं।